नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार में शायद ही कोई परिवार और कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे अयांश के विषय में ना पता हो। अयांश 10 महीने का वो बच्चा है जिसे 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की दरकार है जिंदगी जीने के लिए। लेकिन अयांश के लिए मदद तो मिल ही रही है। अब बिहार विधानसभा के भीतर भी अयांश का मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा उठाने वाले मुरारी प्रसाद गौतम है, कांग्रेस के विधायक है, रोहतास के चेनारी विधानसभा सीट से। इन्होंने विधानसभा के भीतर अयांश का मुद्दा उठाया है, ये कहा है कि इन्हें मदद की जरूरत है और उन्होंने सदन के भीतर जितने भी विधायक हैं उनसे भी अपील की है कि सभी अपने अपने स्तर पर अयांश की मदद करें। क्या कुछ कहा है मुरारी प्रसाद गौतम ने, आप सुनिए। तीसरा मरीज हम लोग यहाँ बिहार में मिला है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एटोफी और रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड का रहने वाला ये बच्चा है। 10 माह का बच्चा है। एक इंजेक्शन है 16 करोड़ रुपए की लगती है जो अमेरिका से मंगाई जाएगी। इन्होंने जांच कराई है। ये बच्चा 10 माह का है। अगर इसे टीका 6 माह के अंदर नहीं लगती है तो ये बच्चा फिर मर सकता है महोदय। 16 करोड़ का इंजेक्शन है तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जरा ध्यान आकृष्ट करे, अयांश के इस बीमारी को दूर करने में सरकार सहयोग करे। और मैं यहाँ सभी माननीय जो सदस्य बैठे हैं इनसे भी अपील करूंगा कि ये भी अपने स्तर से भी कुछ आर्थिक सहयोग इस बच्चे को करे। ठीक है, ध्यान में आ गया है। तो आपने मुरारी प्रसाद गौतम को सुना, अयांश का मुद्दा उन्होंने सदन के भीतर उठाया है। आपको बता दें कि अयांश 10 महीने का बच्चा है जिसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी नाम की बीमारी है और फिलहाल 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की उसे जरूरत है। ट्विटर पर मुहिम भी चलाई जा रही है, जीवन मांगे अयांश। उसके बाद अलग अलग लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग के जरिए लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो जमा हो चुकी है। अयांश के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। 16 करोड़ रुपए की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ब्रावो फार्मा के CMD राकेश पांडे ने सबसे बड़ी मदद अब तक 5 लाख रुपए की मदद की है। अलग अलग इलाकों से लोग मदद कर रहे हैं। देश से बाहर जितने भी लोग हैं जो मजदूरी का काम करते हैं दुबई वगैरह में, वो लोग भी अपने स्तर पर अयांश की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइव सिटीज़ भी मुहिम चला रहा है कि आप भी चाहे तो अयांश की मदद कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे आपको अयांश का अकाउंट डिटेल दिख रहा होगा, आप उसमें जाकर डोनेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सदन के भीतर कांग्रेस के विधायक की तरफ से अयांश का मुद्दा उठाया गया है और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा, संज्ञान में ले लिया गया है। और उन्होंने तमाम विधायकों से भी अपील की है कि अपने अपने स्तर पर अयांश की मदद करने की कोशिश की जाए। एक बार फिर से आप सुनिए मुरारी प्रसाद गौतम ने क्या कुछ कहा। तीसरा मरीज हम लोग यहाँ बिहार में मिला है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एटोफी और रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड का रहने वाला ये बच्चा है। 10 माह का बच्चा है। एक इंजेक्शन है 16 करोड़ रुपए की लगती है जो अमेरिका से मंगाई जाएगी। इन्होंने जांच कराई है। ये बच्चा 10 माह का है। अगर इसे टीका 6 माह के अंदर नहीं लगती है तो ये बच्चा फिर मर सकता है महोदय। 16 करोड़ का इंजेक्शन है तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जरा ध्यान आकृष्ट करे, अयांश के इस बीमारी को दूर करने में सरकार सहयोग करे। और मैं यहाँ सभी माननीय जो सदस्य बैठे हैं इनसे भी अपील करूंगा कि ये भी अपने स्तर से भी कुछ आर्थिक सहयोग इस बच्चे को करे। ठीक है, ध्यान में आ गया है। तो अयांश की मदद के लिए लोग अलग अलग स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आम लोग जिन्हें पैसे की दिक्कत है वो भी बड़ा दिल रखकर अयांश की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे तक मदद के लिए सामने आ रहे हैं और सदन के भीतर भी ये मुद्दा उठा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने विधायक कितने मंत्री अयांश की मदद के लिए सामने आते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।